गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हियर गिवन u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, v इज इक्वल टू y माइनस 4 एंड w इज इक्वल टू z प्लस 2। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं u, v एंड w, तीनों की हमें वैल्यू दी गई है एंड हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये ऑर्थोगोनल हैं एंड ds स्क्वायर की वैल्यू भी हमें यहाँ पे हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा u माइनस 3 अपॉन 2। y और z की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू y, v इज इक्वल टू y माइनस 4 है। y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी v प्लस 4। नेक्स्ट z की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा w माइनस 2। ये हमारे पास x, y एंड z की वैल्यूज आ जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें ds स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है एंड ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका पोजीशन वेक्टर एंड वी नो वेरी वेल पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप प्लस z डॉट k कैप। होल्डिंग द वैल्यूज ऑफ x, y, z, x इज इक्वल टू u माइनस 3 अपॉन 2, i कैप y है v प्लस 4, j कैप एंड जेड है डब्ल्यू माइनस 2 के कैप। ये हमारे पास आ जाती है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू, यू माइनस 3 अपॉन 2 आई कैप प्लस वी प्लस 4 जे कैप एंड प्लस डब्ल्यू माइनस 2 के कैप, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं, हम चेक करते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के लिए ऐसा होना चाहिए कि आई डॉट जे आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू यदि जीरो है तो दैट मीन्स आई एंड जे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को प्रूव करते हैं। जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो है तो भी ऑर्थोगोनल होंगे और के डॉट आई कैप यदि जीरो है तो ये भी ऑर्थोगोनल होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आधार सदिश निकालना होगा जिसको हम बेस वेक्टर बोलते हैं एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो बी वन वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू। तो डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 आई कैप। विद रेस्पेक्ट टू यू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आई कैप। ऐसे ही b2 वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा डेल r वेक्टर अपॉन डेल v, तो ये हो जाएगा आपका j कैप। और इसके बाद हम b3 वेक्टर निकालेंगे तो ये w माइनस 2 k कैप है तो डेल r वेक्टर अपॉन डेल w निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है k कैप। अब हम करके देखते हैं, यदि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0 है तभी ये ऑर्थोगोनल होंगे। तो b1 वेक्टर है आपके पास 1 अपॉन 2 i कैप डॉट b2 वेक्टर है j कैप, तो i डॉट j और 0 होते हैं तो ये आ गया आपका 0। इसके बाद हम b2 वेक्टर डॉट b3 वेक्टर की बात करेंगे, ये भी 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, j वेक्टर डॉट k वेक्टर एंड j वेक्टर डॉट k वेक्टर आल्सो 0, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएंगे। मतलब b2 b3 पे ऑर्थोगोनल कंडीशन को प्रूव करते हैं। लास्ट आता है b3 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर, तो b3 वेक्टर कितना है आपका k कैप एंड b1 वेक्टर कितना है 1 अपॉन 2 i कैप, ये भी 0 के बराबर हो जाएंगे। दैट मींस इट इज प्रूव कि u v एंड w आर ऑर्थोगोनल। क्या क्या प्रूफ करना था हमें इसमें, ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था, स्केल वेक्टर। स्केल वेक्टर कैसे निकालते हैं, स्केल वेक्टर, स्केल वेक्टर का मतलब होता है आपका, इसको हम एच से प्रूफ करते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एच वन की वैल्यू निकालेंगे तो बी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है, एच टू वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो बी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है और एच थ्री वेक्टर निकालेंगे तो बी थ्री वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। हम बात करते हैं बी वन वेक्टर, बी वन वेक्टर की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 अपॉन 2 आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऑनली क्या बचेगा अपने पास, 1 अपॉन 2। सेकंड जो था b2 वेक्टर, इसकी वैल्यू आई थी j कैप मैग्नीट्यूड 1, नेक्स्ट आई थी k कैप तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है 1। तो हमारे पास जो स्केल वेक्टर हैं उनकी वैल्यू आ जाती है आपके पास h1 s2 s3 की 1 अपॉन 2 1 1। मतलब हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन भी प्रूव हो गई, बेस वेक्टर भी निकाल लिया, स्केल वेक्टर भी हमने प्रूव कर लिया। लास्ट हमारे पास बचता है ds स्क्वायर की वैल्यू निकालना। ds स्क्वायर की वैल्यू जो है वो dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर में निकलेगी। तो हमारे पास ना ही dx है ना ही dy है ना ही dz है, तो सबसे पहले हम dx dy dz को निकालेंगे फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं dx स्क्वायर की,
सबसे पहले dx निकालना है, तो dx कैसे निकालेंगे, डेल r अपॉन डेल x में ले लेते हैं, तो फिर डेल x अपॉन डेल u du प्लस डेल x अपॉन डेल v dv एंड प्लस डेल x अपॉन डेल w dw। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यदि हम इनका करेंगे x व x का u माइनस 3 अपॉन 2 है, इसका हम करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन 2 du, इनका कितना हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, तो है ही नहीं। इसके बाद हम निकालते हैं dy, dy निकलेगा डेल y अपॉन डेल u du प्लस डेल y अपॉन डेल v dv प्लस डेल y अपॉन डेल w dw। सेम इसका निकालेंगे तो u का कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इस पर चलेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1 j dv और इसका भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली dz निकालेंगे डेल z अपॉन डेल u du प्लस डेल z अपॉन डेल v dv प्लस डेल z अपॉन डेल w dw। इसको निकालेंगे तो u का है ही नहीं जीरो हो जाएगा, v का भी फंक्शन नहीं है जीरो हो जाएगा, W का देखेंगे z फंक्शन है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 डॉट डी डब्ल्यू आ जाएगा। अब हमें वैल्यू निकालनी है डीएस स्क्वायर की, डीएस स्क्वायर क्या है आपके पास डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर प्लस डीजेड स्क्वायर, तो डीएस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, डीएक्स आपके पास कितना आया है 1 अपॉन 2 डीयू, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 डीयू स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे dy की, dy की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1 डॉट dv, मतलब ये हो जाएगा dv स्क्वायर एंड प्लस लास्ट dz की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1 डॉट dw, मतलब ये हो जाएगा dw का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ds स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आ गई है। हैंस थैंक यू सो मच सतीश सर ने वीडियो बनाने का कल बताया है।